नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अरियर और खिरहर थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की और सभी पंजियों का अवलोकन भी किया। एसपी ने कहा कि कुहासी में अपराधी और शराब तस्कर काफी सक्रिय हो जाते हैं, साथ ही चोरी की घटनाएं बढ़ने की भी संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए थाना अध्यक्ष को क्षेत्र में नजर बनाए रखने और खुद की भी क्षेत्र भ्रमण पर निकल कर जायजा लेते रहने का निर्देश दिया गया है। आज अरेर थाने का इंस्पेक्शन और एक मीटिंग हम लोग डीपीओ और इंस्पेक्टर ये सब से कर रहे हैं कि जो यहाँ पर उपस्थित बल हैं उनका सही से उपयोग करके जो रात्रि गश्ती में इनको लगाना है, बीट वाइज जो है सबको चौकीदार लोगों को पोस्टिंग करके वहाँ पर कोई भी घटना होती है इसकी सूचना, शराबबंदी से रिलेटेड सूचना ये सब देने के लिए, और साथ ही साथ जितनी पंजियाँ हैं उन सब का निरीक्षण किया जा रहा है, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे लंबित कांड हैं उनका हम लोग यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं। सर निर्देश क्या कुछ है सर? निर्देश यही है कि अभी रात्रि गश्ती में इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, क्योंकि रात्रि चोरी का थोड़ा घटना बढ़ जाता है ठंड में, इसको लेकर के एहतियात बरतने की जरूरत है और शराबबंदी का जीरो टॉलरेंस। और अब बात करेंगे फुलवारी शरीफ की, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। घटना फुलवारी शरीफ के महावीर कैंसर संस्थान के बगल में लिट्टी दुकान की है, जहां अपराधियों ने ताबड़तोड़ 12 राउंड फायरिंग किए, जिसमें कि एक व्यक्ति कुंदन कुमार की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति विष्णु दयाल घायल हो गया है। बताया गया कि एक दिन पहले ही एक वेल्डर अमन से इन लोगों की बकछक हो गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। क्या क्या हुआ सर? बस आया चलाना, कोई बात ना विचार हुआ, आया घूमने पर जा रहा था घर, धाधा चलाए आपका क्या गोली मारा? वही 3-4 गोली चलाया सर। अच्छा, बाद में निकल गया, गिर गया। अच्छा, किसको किनको गोली लगा है? आपका बेटा कहाँ लगा गोली? बेटा का तो लगा सर कमर में, लेकिन खर के बेल्ट पहना हुआ था तो चल गया, खरा निकल गया। हाँ। चन्ना का लगा माथा में? माथा में। जानते हैं दोनों को, जो अपराधी को? नहीं सर, देखो एक बाइक अचानक में आया तो कैसे अच्छी साइकिल कहाँ लगा बता? मोटरसाइकिल ऊपर बैठिए ना भाई, रुकिए अभी, परेशान ना हो, हम लोग हैं। ये बताइए कि आप और कितने लोग थे दुकान में? दुकान में सर तो देखिए सब बाकी 2-3 लोग थे, 2-3 गांव के पीछे। चन्ना कहाँ गोली लगा है? खोजाई मिली पेट्रोल पंप के पास एक लिट्टी के दुकान में एक अपराधी के द्वारा गोली चलाया गया है, जिसमें एक जख्मी हो गए हैं और लगभग आधा दर्जन गोली चलाने की बात बताई जा रही है। एक की मौत की भी बात सामने आ रही है अभी। हाँ, पता पुष्टि हुई है अभी, लेकिन इसकी जांच किया जा रहा है। क्या कारण से गोली चली कुछ अब इसके बाद अनुसंधान के बाद ही पता जा सकता है क्या बात है। मौत भी हुई है सर? हाँ, एक के सुनी घटना में मौत हुई है, एक घायल है। ये घायल है ना। मैं आशुतोष कुमार, पुलिस अवार्ड निरीक्षक थाना। बेगूसराय में बदमाशों ने एक सब्जी विक्रेता को उधार में सब्जी नहीं देने पर गोली मारकर घायल कर दिया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर ढाला की है। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये जो सुख पासवान जो सब्जी मांगा था कि सब्जी तो हमने दी, एक दो महीना से मांग रहा था। बोले भाई कितना पहला भी पैसा दो, नहीं देगा तो नहीं देंगे। बोले नहीं देगा तो बताएंगे, हम आगे बढ़े। ये लोग आगे बढ़ करके चौक से थोड़ा दूर आगे बढ़े ना, पूरा हम अपने घर को और वहीं पर जाना। वो 4 आदमी बैठा हुआ तो बोला सब्जी मांगे काहे नहीं दिए। बोले कितना दिन देंगे? वही जाने अशोक यादव बोला कि मारो सर। तब ये जाने अशोक पासवान गोली चला दिए।
जो हमारे कंधे में जाने लग गया। उसके बाद हम चिल्लाना शुरू कर दिए कि गोली मारा गोली, तब वो लोग भाग गया। कटिहार के सालमारी बलिया बेलौन थाने में अलग अलग 17 मामले में पकड़े गए देशी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दरअसल कटिहार डीएम उदयन मिश्रा और कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार के आदेश के बाद कदवा सीओ रविशंकर वर्मा की उपस्थिति में जेसीबी के द्वारा 2410 लीटर देशी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। कितने कांडों में दारू के विनिष्टीकरण किया गया? आज विनिष्टीकरण का कांड कार्य किया गया है। ये बलिया बिलोन थाना अंतर्गत 16 कांडों में से 2410 लीटर 665 मिलीलीटर देसी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। जीसीबी के द्वारा विनिष्टीकरण किया गया? हाँ, इसको पब्लिकली एग्जीबिशन के माध्यम से सबके सामने इसको जेसीबी के सामने औरंगाबाद में परीक्षा में अच्छे अंक देने और पास करने के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं प्रोफेसर द्वारा पैसे लेते छात्रों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मामला जिले के राम लखन सिंह यादव कॉलेज से जुड़ा है, जहां वीडियो में प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान राजेंद्र नाम के एक प्रोफेसर परीक्षार्थियों से अवैध राशि की वसूली करते हुए दिखाई देता है। वहीं छात्रों ने कॉलेज में हंगामा करते हुए कहा कि अगर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी छात्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। ये पैसा ले रहे हैं से। ये पैसा लेकर के बोलिए, क्या मामला है, किस लिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं? मैं राम लखन सिंह यादव कॉलेज के छात्र संघ सचिव राहुल राज। मामला यह है कि 10 से 20 के बीच में इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल का एग्जाम लेना है, जो कि डेली कॉलेज में हर विषय में 200-500 के रूप में लिया जा रहा है। सर के द्वारा हर सब्जेक्ट में कहा जा रहा है कि नंबर दोगे तो नंबर मिलेगा, पैसा दोगे तो नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं दिया जाएगा या फिर फेल कर दिया जाएगा। तो सभी छात्रों के द्वारा कौन विभाग द्वारा मांगा जा रहा है? फिजिक्स ऑनर्स के सर हैं राजेंद्र सर, उनके द्वारा मांगा गया था, जो कि छात्रों के द्वारा वीडियो भी बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद मैं खुद प्रचार गणेश महतो को फोन किया और उसके बाद प्रिंसिपल सर का बयान आता है कि जाओ तुम लोग मिलकर केस करो थाना में। हम लोग का यही कहना है कि प्रिंसिपल सर कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस मैटर में, और छात्र बहुत से छात्र ऐसे गरीब हैं जो कि नंबर कम रह जाता है, पैसा नहीं देते हैं। तो हमको कहना यह है कि सभी छात्रों को मिलाकर चले और पैसा नहीं ले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।